कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ऐप को, जो आपका रिएक्ट नेटिव ऐप है, आप उसको रियल टीवी डिवाइस पर रन कैसे कर सकते हो। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि टीवी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से। मतलब हम जब कोड रन कर रहे होंगे तो इमुलेटर पर रन कर लेते हैं, रियल डिवाइस पे हम यूएसबी केबल वगैरह लगा के कर लेते हैं, बट टीवी पे हम कैसे रन करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि हम टीवी को कैसे कनेक्ट करें अपने लैपटॉप से, जिससे हम अपना जो ऐप है उस पर रन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी टीवी पे जाना है और टीवी पे जाके कुछ हमें ऑप्शंस पे चेक करना है। ठीक है, तो चलते हैं टीवी पे। आपको अपनी टीवी पे जाना है और टीवी पे जाके आपको क्या करना है, सेटिंग का बटन प्रेस करना है। सेटिंग में आप देखोगे आपके पास ये ऑप्शंस मिल रहे होंगे, पिक्चर, साउंड सिस्टम एंड मोर। तो मोर सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो कनेक्शन होता है ना, ये ओवर द वाईफाई है। आपके जो सिस्टम में, आपके लैपटॉप में जो वाईफाई कनेक्ट है, वही सेम वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए टीवी के साथ में। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वाईफाई कनेक्शन है, इसमें जो भी वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको पता करना है आईपी एड्रेस, कि कौन सा आईपी एड्रेस है जो आप वहां पे एज ए एडीबी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे केस में जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो ये आ रहा है 192.168.0.1.0.1। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पे डालें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। क्या करना है, जो हमें आईपी एड्रेस मिला है वहां पे अपने प्रोजेक्ट के, जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टरी पे, वहां जाएंगे, हमें टाइप करना है कनेक्ट ए डी बी। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा आईपी एड्रेस था वो 192.168.0.1.0.1। ठीक है, कमांड आई थिंक हमें यूज करनी पड़ेगी ए डी वी कनेक्ट। ठीक, और उसके बाद ये 192.168.0.1.0.1। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास देखो एक ये मैसेज आ जाएगा, कनेक्टेड टू दिस आईपी। ये आईपी है, ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, उसके बाद नॉर्मल हमें अपनी कमांड चलानी है npm run android। ठीक है, अब मैं लैपटॉप को ले जाके रखता हूँ कहाँ पे, लैपटॉप को ले जाके रखता हूँ अपने टीवी के पास, जिससे आप देख सको कि यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट हमारा रन होगा सेम टाइम पे क्या होगा, हमारा टीवी पे भी रन होगा। ओके, मैंने यहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है, मेरे टीवी के सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड डाल रहा हूँ npm run android और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भी मेरा ऐप है, क्या वो ऐप जो है वो मेरे इस टीवी पे रन हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ये रन हो रहा है। ठीक है, ये रन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखो रन लिख के क्या आ रहा है, अभी आप देखोगे यूनियन टीवी 9। ठीक है, ये मेरी टीवी का टीवी पर रन होने वाला है, क्योंकि ये टीवी से कनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे अब जैसी एप्लीकेशन रन होगा वो एक्चुअल में रन होगा मेरी डायरेक्ट टीवी पे। हाँ, थोड़ा सा वेट, और मैं आपको बिल्कुल लाइट एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, देखो यहां पे रन हुआ। अब मैं चलता हूं टीवी पे अपने, देखो ये है टीवी जिसपे डायरेक्टली हमारा आईपी एड्रेस हम कनेक्ट हुए थे, और जो भी मेरा ऐप है यहाँ पे नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल है जो रन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही हमारा ये सर्वर लोड हो रहा है, सेम लोड हो रहा है हमारा टीवी पे, ऊपर देख सकते हो आप। ठीक है, ऊपर कोने पे, और ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेता हल्का सा लोड होने में, बट लोड हो जाएगा। ये देखो हमारा नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल जो हमने बनाया था वो लोड हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप इजी तरीके से कोई भी ऐप बना रहे हो उसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के बाद। वैसे ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऐप नहीं चलेगा, नॉर्मल भी चलेगा, बट ज्यादातर टीवी को सपोर्ट करने के लिए, ज्यादातर टीवी पे ये सपोर्ट करे कोड और ये सारी चीजें, इसलिए हम वो 2-3 लाइन का जो कोड होता है उसे ऐड करते हैं और इससे हमारा जो ऐप है ना वो सपोर्टिव बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो टीवी के रिमोट वगैरह वो सारी चीजें हम कैसे डालते हैं, सपोर्ट के बेस पे, क्योंकि आगे लिसनर्स भी लगाने होते हैं।
बट ये यहाँ पे रन हो गया। इस तरीके से हम टीवी पे अपने रन कर सकते हैं जो भी आप कोड लिख रहे हो टीवी के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।